हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डिमन हंटिंग ग्रुप कंपटीशन का फाइनल राउंड भी खेल लिया जाता है, जिसका विनर था हाउचेन। और इसी वजह से अवार्ड सेरेमनी में हाउचेन को एक मौका दिया जाता है कि वो अपने लिए किसी भी पार्टनर को चूज कर सकता है। यहाँ पर सब लोगों को लग रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए हाउचेन कैरन को ही चूज करेगा, लेकिन दूसरी तरफ हाउचेन ने लिन सुवान से भी वादा किया है, इसलिए उसने अपने वादे को निभाते हुए लिन सुवान का नाम ले लिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां मास्टर पलादीन हाउचेन से कहता है कि आगे बढ़ो और बताओ कि तुम किसे अपनी टीममेट के तौर पर चूज करना चाहते हो। जो सुनकर हाउचेन गहरी सोच में पड़ गया था और वो याद करता है कि आज से कुछ रातों पहले वो मास्टर पलादीन से मिलने गया था, जहां वो मास्टर पलादीन से कहता है कि मैं लिन सुवान के साथ साथ कैरन को भी अपने सेकंड पार्टनर के तौर पर चूज करना चाहता हूँ, चाहे फिर इसके लिए मुझे अपने सारे के सारे रिवार्ड ही छोड़ना क्यों ना पड़े। ये सुनकर मास्टर पलादीन काफी जरा गुस्सा हो चुके थे। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? इस डिमन हंटिंग ग्रुप कंपटीशन को जीतने की वजह से तुम्हें काफी सारे रिवार्ड्स मिलने वाले थे, और ये रिवार्ड्स बहुत ही ज्यादा कीमती है। इनमें से एक तो बहुत ही ज्यादा रेयर स्पिरिट फर्नेस है, जिसको अगर तुम अपने होली स्पिरिट फर्नेस के साथ कंबाइन कर लो तो हो सकता है कि तुम सीधा लेवल 6 पर भी पहुंच जाओ। हाउचेन मास्टर पलादीन की ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा इज्जत के साथ कहता है कि मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आप मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करते हैं, लेकिन मैंने अपना इरादा पक्का कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि बाकी के 6 टेम्पल भी मेरे इस इरादे में मेरा साथ देंगे। जिस पर मास्टर पलादीन कहते हैं कि अभी तक तुम कंपटीशन के विनर नहीं हो, जब तक तुम कंपटीशन के विनर नहीं हो जाते मुझे नहीं लगता कि तुम इस तरह से नेगोशिएट कर सकते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से यहाँ प्रेजेंट पे आ जाता है, जहाँ हाउचेन ने कंपटीशन को जीत लिया था और वो याद करता है कि मैंने लिन सुवान से वादा किया था कि मैं उसे अपनी टीममेट के तौर पर चूज करूंगा, इसलिए वो अपना वादा निभाते हुए सबसे पहले आगे बढ़कर कहता है कि मैं अपनी टीममेट के तौर पर चूज करना चाहता हूँ लिन सुवान को। ये सुनकर तो लिन सुवान पूरी तरीके से चौंक चुका था। सिर्फ लिन सुवान ही नहीं, वहाँ पर मौजूद सब लोगों को ही 440 वॉट का झटका लगता है। वो सब एक साथ कहते हैं कि हाउचेन ने अभी क्या कहा, जबकि दूसरी तरफ कैरन की तो सांसें ही बंद हो चुकी थी। उसका दिल बहुत ही जरा बुरी तरीके से धड़क रहा था, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आता। इवन कि एसएसएन टेम्पल का एक वॉरियर खड़ा होकर कहता है कि इसे तो कैरन को चूज करना चाहिए था, आखिर इसने ये क्यों किया। दूसरी तरफ हाउचेन एक बार फिर से कह देता है कि मैं अपने टीममेट के तौर पर चूज करना चाहता हूँ लिन सुवान को, जिसकी वजह से आखिरकार कैरन को यकीन आ गया था। उसकी सांसें तो पहले से ही रुक चुकी थी। तेज धड़कते हुए दिल के साथ वो अपनी जगह पर खड़े होकर कहती है कि आखिर हाउचेन ने ये क्या कहा। कैरन का वो सब सोचते हुए सर चकरा रहा था। लीजिन खड़ी होकर कैरन से कहती है कि कैरन क्या तुम ठीक हो? कैरन को यहाँ किसी और की बातें नहीं सुनाई दे रही थी, वो बस लगातार यही सब कह रही थी कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। इवन की शेडो लॉर्ड भी हाउचेन से कहते हैं कि क्या तुमने अच्छे से सोच लिया, मुझे पूरा यकीन है कि तुमसे कोई ना कोई गलती हो चुकी है। जिस पर हाउचेन कहता है कि नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई, मैंने अच्छे से सोच लिया है कि मैं लिन सुवान को चूज करना चाहता हूँ जो कि मैजिकल टेम्पल से बिलोंग करता है। अब यहाँ मैजिकल टेम्पल का नाम सुनकर कैरन के हाथ से उसकी स्टिक गिर चुकी थी। पहले कैरन को लग रहा था कि शायद मुझे कुछ गलत सुनाई दिया गया है, लेकिन अब उसे पूरी तरीके से यकीन हो चुका था। इसकी वजह से उसका दिल टूट चुका था, जिस दर्द की वजह से वो जोर से चिल्लाती है। साथ ही साथ उसकी एनर्जी वहाँ चारों तरफ फैल चुकी थी। वो यहाँ पर हाउचेन को अपनी बात पूरी करने नहीं देती, क्योंकि अभी हाउचेन आगे कुछ कहने वाला था। वो शायद ये कहना चाहता था कि मैं कैरन को भी अपनी टीममेट के तौर पर लेना चाहता हूँ। वहाँ की ऑडियंस ये सब देखकर घबराते हुए कह रही थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, जबकि दूसरी तरफ कैरन के अंदर एक ईवल स्पिरिट थी जो कि कैरन से कहती है तो तुमने देख ही लिया, आखिर इस लड़के ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम बनी ही इसलिए हो, तुम्हारी किस्मत में अकेला रहना है। ये सारी बातें कैरन को और भी जरा बुरी तरीके से तोड़ रही थी। वो किसी अंधेरी खाई में गिरने लगती है, जबकि वो ईवल स्पिरिट लगातार कैरन को यूं ही भड़काती जा रही थी। वो कहती है कि आखिरकार हाउचेन ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया, जबकि ये वही लड़का है जिसने तुमसे वादा किया था कि ये सारी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत करेगा। कैरन की ये सारी बातें सुनते हुए आंखों में आंसू आ चुके थे, जबकि साथ ही साथ वो कहती है कि मेरा दिल आखिर ये इतना ठंडा क्यों पड़ चुका है, और मुझे ये इतना दर्द क्यों हो रहा है, आज से पहले मैंने इतना दर्द कभी नहीं सहा। ये सब भी अभी कम नहीं था। वो इविल स्पिरिट लगातार कैरन से कहती है कि तुम उसी की बातें सुनती रहती थी, तुम्हें उस पर बहुत ज्यादा यकीन था, लेकिन तुमने सुना कि उसने क्या कहा। और वो लगातार कैरन को वही हाउचेन की बातें सुनवा रही थी, जहाँ हाउचेन कहता है कि मैं अपने टीममेट के तौर पर चूज करता हूँ लिन सुवान को। ये सब सुनने के बाद आखिरकार कैरन दर्द और गुस्से के साथ जोरों से चिल्लाती है, जिसकी वजह से उसकी समसारा सर्कुलेशन पावर एक्टिवेट हो चुकी थी। ये पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जो कि अपने आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकती है, इसलिए मास्टर पलादीन उसे रोकने की कोशिश करने वाले थे। लेकिन शेडो लॉर्ड मास्टर पलादीन को रोकते हुए कहते हैं कि ऐसा मत करो, क्योंकि कैरन की समसारा सर्कुलेशन पावर एक्टिवेट हो चुकी है, अगर इस पर तुमने कुछ भी किया तो ये तुम पर ही बैकफायर कर सकती है, साथ ही साथ ये कैरन के लिए भी ठीक नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचेन बहुत ही तेजी के साथ कैरन की तरफ बढ़ते हुए उसका नाम चिल्ला
चिल्ला रहा था, पर कैरन की एनर्जी उसे अपने पास नहीं आने दे रही थी। हाउचिन अपनी पूरी कोशिश करते हुए धीरे धीरे करके कैरन की तरफ जा ही रहा था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर मास्टर कैविलार भी आ जाते हैं, जिन्होंने आते साथ ही हाउचिन को अपनी एनर्जी से पकड़कर पीछे पटक दिया था। वो हाउचिन से कहती है कि उससे दूर रहो। साथ ही साथ वो यहाँ पर कैरन की ऐसी बुरी हालत देखकर याद करता है कि उसने पहले ही मास्टर पलादीन और शैडो लॉर्ड से कहा था कि अगर हाउचिन ने कैरन को हर्ट किया तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद कैरन ऐसी तबाही मचाएगी जिसे शायद मैं भी नहीं रोक सकता। ये सारी बातें याद करने के बाद मास्टर कैविलार कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा, अभी मुझे जल्द से जल्द कैरन को रोकना होगा, नहीं तो ये कैरन के लिए ठीक नहीं, इसमें उसकी जान भी जा सकती है। हाउचिन मास्टर कैविलार की ये बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा चुका था, क्योंकि उसे भी कैरन की बहुत ही ज्यादा फिक्र थी। दूसरी तरफ मास्टर कैविलार एक 9th रैंक के वॉरियर है, वो कैरन की तरफ बढ़ने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर कैरन की एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी जो कि उन्हें भी उठाकर दूर पटक देती है। अब मास्टर कैविलार को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, इसलिए वो कैरन के आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, पर कैरन की इस बर्सरिक मोड की वजह से वो शील्ड भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, जिसकी वजह से वो टूट गई थी। मास्टर कैविलार ये देखकर कहते हैं कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तभी अचानक यहाँ पर एल्डर यांग भी आ जाते हैं जो कि मास्टर कैविलार से कह रहे थे कि आखिर ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम भी इसे नहीं रोक सकते तो फिर रोकेगा कौन। जिस पर मास्टर कैविलार कहते हैं कि क्या तुमने इसे मजाक समझा हुआ है, ये एक एंशिएंट पावर समसारा सर्कुलेशन पावर है, एक बार ये एक्टिवेट हो जाए तो डेविल गॉड खुद कैरन से पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेगा। साथ ही वो यहाँ पर एल्डर यांग से कहते हैं कि तुम्हारे पास भी तो एक सील डिवाइन थ्रोन है, तुम जल्दी से जल्दी उस सील डिवाइन थ्रोन को यहाँ पर ले आओ। जिस पर एल्डर यांग कहते हैं कि क्या तुम पागल हो चुके हो, मेरा डिवाइन सील मिलियंस ऑफ पीपल की हिफाजत कर रहा है, अगर मैं उसे यहाँ पर ले आया तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। दूसरी तरफ कैरन लगातार दर्द से चिल्ला रही थी, जिस पर मास्टर कैविलार कहते हैं कि जल्द से जल्द उस सील डिवाइन थ्रोन को यहाँ पर ले आओ, क्योंकि मुझे उन मिलियंस ऑफ पीपल की कोई परवाह नहीं, अगर मेरी ग्रैंड डॉटर को कुछ भी हो गया तो ये अच्छा नहीं होगा। अगर ये सब चलता रहा तो कैरन दोबारा से उसे हेल में धकेल दी जाएगी और फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचिन ये सब सुनने के बाद कैरन का नाम पुकारते उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। मास्टर कैविलार ये सुनकर हाउचिन की तरफ देखकर कहते हैं कि कमीने ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ और उसके बावजूद भी तू मेरी ग्रैंड डॉटर का नाम अपने मुंह से ले रहा है, मैं आज तुझे जान से मार डालूंगा। ये कहने के बाद वो वहां पर एक ब्लैक होल क्रिएट करते हुए हाउचिन को मारने की कोशिश करता है, जिस पर हम देखते हैं कि लिंसवान फौरन से बीच में आ गया था। वो आते साथ ही अपने एलिमेंटल फायर शील्ड का इस्तेमाल करते हुए हाउचिन के आसपास एक शील्ड क्रिएट कर देता है ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके, लेकिन मास्टर कैविलार के सामने उसकी ये शील्ड कुछ भी नहीं थी। वो इस शील्ड को तोड़ने के साथ साथ हाउचिन को अपनी एनर्जी वेन से बुरी तरीके से जकड़ लेते हैं। मास्टर कैविलार यहाँ पर अपनी ग्रैंड डॉटर का दर्द सह नहीं पा रहे थे, इसलिए वो गुस्से में हाउचिन से कहते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है, अगर आज मेरी ग्रैंड डॉटर को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें भी जान से मार डालूंगा। ये कहते हुए वो अपनी स्पाइक वेन टेक्निक से हाउचिन को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहे थे, जिसकी वजह से हाउचिन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो लगातार कैरन का नाम ही लेता रहता है। दूसरी तरफ लिंसवान यहाँ पर मास्टर कैविलार के पीछे आकर उससे समझाने की कोशिश करता है कि हाउचिन की इसमें कोई गलती नहीं थी, ये सब कुछ मैंने किया है, अगर आपको पनिशमेंट देनी ही है तो मुझे दो। लेकिन मास्टर कैविलार तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, वो लिंसवान को उठाकर दूर पटक देते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि मेरी नजरों से दफा हो जाओ, जिसके बाद आखिरकार उन्होंने हाउचिन को जान से मार देने का मन बना ही लिया था। वो तो अभी यहाँ पर हाउचिन पर हमला करने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक एल्डर यांग वहाँ पर आकर उन्हें रोक देते हैं। लिंसवान भी ये देखकर हाउचिन के लिए डर गया था, लेकिन अब हाउचिन ने काफी देर तक सह लिया है, इसलिए वो अपनी कुछ पावर्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को आजाद करवा लेता है। हाउचिन को ऐसा करते हुए देखकर मास्टर कैविलार भी थोड़े से गुस्से में आते हुए आगे बढ़कर अभी उस पर हमला करने ही वाले थे, लेकिन एल्डर यांग उससे कहते हैं कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ग्रैंड डॉटर बच जाए तो उसका सिर्फ एक ही हल है और वो है हाउचिन, तो उसे अपना मौका आजमाने दो। ये सुनकर आखिरकार मास्टर कैविलार अपनी जगह पर रुक गए थे, जबकि दूसरी तरफ हाउचिन अपनी लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे करके कैरन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। मास्टर कैविलार देखते हैं कि हाउचिन अपनी लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कैरन के सर्कुलेशन पावर को ब्रेक करके अंदर जा पा रहा है, जो कि वाकई में काफी जरा अजीब है। एल्डर यांग भी ये देखकर कहते हैं कि हाउचिन ही है जिसकी वजह से कैरन के दिल में ये खंजर पैदा हुआ और अब उसे ये खंजर खुद ही झेलना होगा, उसे कुछ भी करके कैरन को उस हेल से बाहर निकाल कर लाना ही होगा। जबकि दूसरी तरफ हम हाउचिन को देखते हैं जो कि कैरन की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि कैरन मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और ये कहती वो आखिरकार कैरन के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, जहाँ आते साथ ही उसने कैरन को टच कर दिया था। कैरन को छूते साथ ही हाउचिन की सोल टेलीपोर्ट होकर कैरन के स्पिरिट वर्ल्ड में आ जाती है, जहाँ उसे कैरन की सारी मेमोरीज देखने को मिलती है। वो पहली याद जब कैरन पैदा हुई और उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, वो पहला कदम जब कैरन ने चलना सीखा था, उसके पेरेंट्स ये
देखकर उस पर प्राउड महसूस कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें एक बुरी खबर सुनने को मिलती है। असेसन टेम्पल में कैरन के पेरेंट्स को जानने को मिलता है कि वो समसारा पावर्स की आखिरी वंशेश है, यानी कि उसे अपने बचपन, जिंदगी और खुशियां सब कुछ कुर्बान करना होगा ताकि वो एक सेंट बन सके, जिसकी वजह से उसे अल्टीमेट पावर्स मिलेगी। और ये पावर्स आने वाली इंसानियत जनरेशन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वही डीमंस का खात्मा कर सकती है। कैरन के फादर इस बात से जरा से भी खुश नहीं थे, जबकि दूसरी तरफ कैरन को भी काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसकी मामा उसे शांत कराते हुए कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, बस ये एक मामूली सा टेस्ट है, हमें पूरे यकीन है कि इन लोगों को कोई गलत फहमी हो चुकी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और साथ ही साथ कैरन की मामा यहाँ पर कैरन से प्रॉमिस करती है कि इस टेस्ट के बाद मैं तुम्हें तुम्हारा फेवरेट डॉल लेकर दूंगी। पर उस टेस्ट के बाद ये बात सब लोगों को मालूम हो जाती है कि एंशिएंट समसारा की आखिरी वंशज कैरन ही है, उसे इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करनी होगी, यही उसका मिशन है। जिसकी वजह से आखिरकार उसके पेरेंट्स भी निराश होते हुए कैरन से कहते हैं कि आज के बाद तुम हमारी बेटी नहीं हो, तुम्हें आज के बाद एक सेंट बनना ही होगा। और दोस्तों आप लोगों को तो याद ही होगा कि सेंट बनने के लिए कैरन को काफी जरा मुश्किल इम्तिहान से गुजरना पड़ा है, जिसकी वजह से उसके एक एक सेंसेस बारी बारी करके खत्म होते गए और साथ ही साथ उसे काफी जरा दर्द भी झेलने को मिला। हाउचिन की तो ये सारी विजन देखने के बाद आंखें खुली की खुली रह गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कहे। इस वक्त भी वो कैरन के खाली ठंडे रूम में मौजूद था, जहाँ दीवारों पर कैरन ने खुद के साथ उसकी तस्वीर बनाई हुई थी, जिससे हाउचिन को मालूम होता है कि उसकी अंधेरी दुनिया में रोशनी लाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। और अब इसलिए हाउचिन समझ चुका था कि असल में कैरन को इस वक्त कैसा फील हो रहा होगा, वो अब तक क्या क्या फील करती रही है। तभी अचानक हाउचिन के पीछे कैरन की वही पुरानी डोल खड़ी होकर जिंदा हो जाती है, जो कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। और उसके ये कहते साथ ही कैरन का रूम देखते ही देखते एक हेल में चेंज हो जाता है, जहाँ चारों तरफ ब्लेड्स ही ब्लेड्स लगे हुए थे। जमीन पर बिखरा खून उस जगह को और भी जरा खौफनाक बना रहा था। तभी हाउचिन की नजर उसी डोल पर पड़ जाती है, जो कि अब साइज में बहुत ज्यादा बड़ी थी, और साथ ही साथ उसने कैरन को भी अपनी बाहों में पकड़ के रखा हुआ था। हाउचिन कैरन को देखकर चिल्लाते हुए उसका नाम लेता है, लेकिन वो डोल कहती है कि तुम सब ने उससे झूठ कहा, तुम सब लोगों ने सिर्फ कैरन को धोखा दिया और उसका इस्तेमाल किया। जिस पर हाउचिन कहता है कि नहीं, ये सच नहीं है। पर वो जाइंट डोल हाउचिन की कोई भी बात नहीं सुन रही थी, वो कैरन को धीरे से जमीन पर रखते हुए फौरन से जंप करके हाउचिन पर हमला करना शुरू कर देती है। जबकि साथ ही साथ वो यहाँ पर हाउचिन से कह रही थी कि इंसान होते ही बुरे हैं, आज तक हर इंसान ने सिर्फ कैरन को दर्द ही पहुंचाया है, मैं ही सिर्फ वो इकलौती हूँ जिसे कैरन की फिक्र है, मैंने हमेशा कैरन का ख्याल रखा। हाउचिन को बुरी तरीके से मारते हुए कहती है कि कैरन को किसी की जरूरत नहीं, उसे कोई फैमिली नहीं चाहिए, उसे कोई लवर नहीं चाहिए, उसके लिए सिर्फ मैं ही काफी हूँ, उसे यहाँ पर मेरे साथ रहना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए अकेले ही। ये सारी बातें अब हाउचिन ने भी काफी सुन ली थी, इसलिए वो अपनी जगह पर खड़ा होकर कहता है कि नहीं, तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। साथ ही साथ हाउचिन देखते हैं कि वो डोल उस पर हमला करने वाली है, जिसकी वजह से हाउचिन ने अपनी सोर्ड ऑफ मिरेकल को बाहर निकाल लिया था और वो इसका इस्तेमाल करते उस जायंट डोल की एक आंख को फोड़ देता है। पर ऐसा करने की वजह से सेम दर्द हाउचिन को भी महसूस हो रहा था, उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, वो अपने आसपास की चीजें सही से देख नहीं पा रहा था। हाउचिन हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये मेरी नजर को क्या हो गया, जिस पर वो डोल मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गई, तुम मुझ पर जितनी बार भी हमला करोगे उतनी बार तुम्हारी एक एक करके सारी सिक्स सेंस खत्म हो जाएगी, तुमने मेरी आंख पर हमला किया इसकी वजह से तुम्हारी नजर चली गई। और ये कहते साथ ही वो जायंट डोल यहाँ हाउचिन पर हमला कर देती है, जिससे टकराकर वो काफी जरा दूर जा गिरा था, साथ ही साथ उसकी तलवार भी उसके हाथ से छूट जाती है। हाउचिन जल्दी जल्दी अपनी तलवार को दोबारा से ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जिस पर वो डोल मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है, यकीनन तुम अपने सेंसेस को नहीं खोना चाहते क्योंकि ये काफी जरा दर्दनाक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचिन अपनी तलवार को ढूंढते ढूंढते ब्लेड्स को टच कर रहा था, जिसकी वजह से उससे चोट भी पहुंच रही थी। तभी वो जायंट डोल दोबारा से हाउचिन पर हमला करके उसे जकड़ लेती है, साथ ही साथ वो हाउचिन से कहती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि कैरन इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों है, क्योंकि कोई भी अपने सिक्स सेंसेस को नहीं खोना चाहता, लेकिन कैरन ने अपनी आंखों, कानों, हर सेंस की कुर्बानी दे दी ताकि वो पावरफुल हो सके। उसकी ये पावर उसके लिए ब्लेसिंग भी है, साथ ही साथ उसके लिए कर्स भी है, क्योंकि इसके लिए उसने काफी ज्यादा दर्द सहा। वो हाउचिन से कहती है कि और तुमने क्या किया, तुमने उसे इतनी चोट पहुंचाई जिसकी वजह से वो एक खतरनाक वेपन बन चुकी है, तुमने उसे इतना दर्द दिया और उसके बाद अब तुम क्या सोच रहे हो कि तुम यहाँ आओगे और उसे माफी मांग लोगे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये कहते वो हाउचिन को कुचलने की कोशिश करती है, जिस पर हाउचिन कहता है कि मैं यहाँ पर कैरन की माफी के लिए नहीं आया। ये बात उस जायंट डोल को काफी ज्यादा अजीब लगती है, वो हाउचिन से कहती है कि तुमने क्या कहा। तभी अचानक हाउचिन अपने सोर्ड ऑफ मिरेकल को बुलाते हुए उसके एक जायंट हाथ को काट देता है, जिसकी वजह से वो जंप करते हुए दोबारा से जमीन पर आ चुका था, जहाँ हाउचिन बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि मुझे किसी भी श्राप से डर नहीं लगता, मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। और ये कहते हुए हाउचिन उस जायंट
डोल पर एक होली स्प्लैश लगा देता है जिसकी वजह से वो जायंट डोल बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। साथ ही साथ हाउचिन कहता है कि मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके हर दर्द में उसका साथ दूंगा, फिर चाहे तो मेरी आंखें क्यों ना चली जाए, मेरे कान खराब क्यों ना हो जाए, मुझे कुछ भी सुनाई ना दे, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने वादे पूरे करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर वो जायंट डोल पहले तो एक सेकंड के लिए कहती है कि तुम दूसरों से अलग हो, और इसके बाद वो हाउचिन से कहती है लेकिन इसके बावजूद भी तुम मुझे नहीं मार सकते, और ये कहते वो हाउचिन की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि हाउचिन अगर मुझ पर हमला करेगा तो उसका एक एक सेंस धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। पर हाउचिन को इस बात की परवाह नहीं थी, वो लगातार उस जायंट डोल पर 6 से ज्यादा स्प्लैश अटैक्स कर देता है जिसकी वजह से वो जायंट डोल तो तबाह हो चुकी थी, लेकिन इसकी वजह से हम देख पा रहे थे कि अब हाउचिन धीरे धीरे करके अपने 6 सेंसेस खोता जा रहा था। हाउचिन को कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था, उसके सुनने की ताकत खत्म हो चुकी थी, साथ ही साथ वो कुछ भी फील नहीं कर पा रहा था। पर ये सब होते हुए भी वो धीरे धीरे करके कैरन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि कैरन मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें हर हाल में बचा लूंगा। ये सब कहते हुए वो धीरे धीरे करके जमीन में गिर गया था, उसके बाल सफेद हो चुके थे। वो अपनी इल्यूजन की दुनिया में कहता है कि अच्छा तो ऐसा लगता है कुछ भी ना फील करना, मतलब इतने सालों से कैरन हमेशा ऐसा ही फील करती रही, ये उसके लिए वाकई में काफी ज्यादा दर्दनाक होगा, उसके दिल में सिर्फ दर्द ही भरा हुआ है जो कि मैंने और ज्यादा बढ़ा दिया। मुझे लगा था कि मैं कैरन को अच्छे से समझता हूँ, पर मैं शायद उसे कभी भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाया, मैं तो क्या शायद इस दुनिया में कोई भी उसे समझ नहीं पाए, क्योंकि 6 सेंसेस को खोने का दर्द बहुत ही ज्यादा है। हाउचिन इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, तभी अचानक उसकी लाइट एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है जिसने हाउचिन को थोड़ा सा हील कर दिया था। हाउचिन दोबारा कोशिश करते हुए अपनी जगह पर खड़ा होते हुए धीरे धीरे करके कैरन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, पर ऐसा करने में हाउचिन को काफी ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था। हाउचिन कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे एक ही कदम जो तुम्हारी तरफ बढ़ाना है उसके बदले चाहे मेरी सोल ही क्यों ना जल जाए, मुझसे मेरी जिंदगी ही क्यों ना छीन ली जाए, मैं इस हेल में तुम्हें अकेले रहने नहीं दूंगा। ये सब कहते हुए वो चिल्ला कर कहता है कि कैरन मैं कभी भी तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ूंगा, जबकि दूसरी तरफ हम कैरन को देखते हैं जो कि अपने मन में यही सारी बातें सोच रही थी कि हाउचिन ने मुझे बेसहारा छोड़ दिया, उसने मेरी जगह लिन सुआन को अपनी टीममेट के तौर पर चूज किया। वो जानता भी था कि डीमन हंटिंग ग्रुप कंपटीशन का 4th रैंक मैंने उसके लिए छोड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी हाउचिन ने क्या किया, उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा सूरज बनेगा, वो मेरी जिंदगी की रोशनी बनेगा, लेकिन उसने मुझे बेसहारा छोड़ दिया, और मैं बेवकूफ जो कि हमेशा उस पर यकीन करती रही। वो हाउचिन के साथ गुजारे हुए अपने सारे प्यारे लम्हों को याद करती है, वो याद करती है कि हाउचिन ने उससे क्या क्या वादे किए थे, साथ ही साथ उसे अब इन सब का बहुत ही जरा पछतावा हो रहा था। वो कहती है कि हाउचिन झूठ कह रहा था, वो सारे वादे झूठे थे, उसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने भी बिल्कुल बाकी सब लोगों की तरह मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे उन सब लोगों के साथ हाउचिन को भी जान से मार देना चाहिए, बल्कि मुझे तो उसी दिन हाउचिन को जान से मार देना चाहिए था जब उसकी और मेरी पहली मुलाकात हुई थी। और वो उसे याद करते हुए यहाँ पर अपने डैगर को हाउचिन के दोबारा से गर्दन पर रख देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन दोनों ने पहले मुलाकात में किया था। हाउचिन तो बहुत ही ज्यादा प्यार से कैरन की आंखों में देख रहा था, जबकि दूसरी तरफ कैरन की सोल कैरन से यही कह रही थी कि मार डालो इसे। कैरन भी बिल्कुल ऐसे ही करने की कोशिश करती है, लेकिन हाउचिन की इनेट स्पिरिचुअल रिंग ने उसको प्रोटेक्ट कर लिया था। यहाँ कैरन रोते हुए हाउचिन से कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, जिस पर हाउचिन उसके आंसू साफ करते हुए कहता है कि कैरन मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे तकलीफ देकर खुश हो सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए तकलीफ झेलने के लिए तैयार हूँ। और ये कहने के बाद हाउचिन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कैरन के डैगर को पकड़कर खुद ही अपने सीने में खोप देता है, जो देखकर तो कैरन बहुत ज्यादा शोक हो गई थी। यहाँ पर हाउचिन कैरन से कहता है कि अगर मुझे तुम्हें हासिल करने के लिए तबाही के दलदल में भी फंसना पड़े तो मैं ऐसा जरूर करूंगा, पर मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता। अब यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद आखिरकार कैरन का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो चुका था, इसी वजह से वो हेल जैसी दिखने वाली जगह आखिरकार चेंज होकर एक बहुत ही जरा खूबसूरत से बाग में बदल जाती है। यहाँ कैरन रोते हुए हाउचिन से सवाल करती है कि आखिर तुमने वो सब क्यों किया, जिस पर हाउचिन उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैंने लिन सुआन से वादा किया था और मैं अपनी कही हुई बात से पलट नहीं सकता, जिस पर कैरन रोते हुए कहती है कि इसका मतलब यही है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे, लेकिन हाउचिन मुस्कुराते हुए कहता है कि इडियट मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता, तुम्हें वैसे भी मुझे एक हक देना है, और ये कहने के बाद वो उसे फौरन से गले लगा लेता है, जिसके बाद यहाँ इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही जरा प्यारा और इमोशनल सीन क्रिएट हो गया था, जो कि बाहर से मास्टर कैविलार और एल्डर यांग भी देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि हाउचिन आखिर ऐसा कैसे कर लिया, उसने कैरन के गुस्से को शांत कैसे कर लिया, जिसे शांत करना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन जैसा दिख रहा था, लेकिन ये तो इन दोनों की आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। हाउचिन ने खुद का पॉइंट क्लियर कर दिया था, वो कभी भी यहाँ पर कैरन को अकेले नहीं छोड़ने वाला था। कैरन भी बस सिर्फ हाउचिन को खो देने से डर रही थी, क्योंकि वही तो सिर्फ उसकी
उसकी जिंदगी में एक अच्छी चीज है, उसके अलावा तो उसकी जिंदगी में कुछ भी बेहतर नहीं। इसी इमोशनल सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये लॉन्ग वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट भी कर देना।